गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दसवीं गणित के अंतर्गत हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि खासतौर पे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। अब बात करें ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें बहुत सारे तरीके होते हैं किसी क्वेश्चन को बनाने के, किंतु अलग अलग वे में मैं प्रयास करूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजिएस्ट वे पे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि दिया हुआ है, हम हल्की उड़े आगे बढ़ते हैं। दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा। अब अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट टू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ ध्यान दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू cos थीटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू रूट टू और टू का स्क्वायर टू cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos square theta, एक cos square theta से cancel हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा sin square theta plus 2 sin theta cos theta which is equal to cos square theta। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको उस पार ट्रांसफर कर देते हैं, तो sin square theta which is equal to cos square theta minus 2 sin theta cos theta। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर, अगर दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पर ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा था और एक जोड़ा गया है, प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है, या हम ये कर रहे हैं कि इसको इस पार लिख रहे हैं और इसको उस पार। तो पहले इसको लिखते हैं cos square theta plus sin square theta minus 2 sin theta cos theta which is equal to sin square theta plus sin square theta 2 sin square theta। तो यहाँ पर देखें तो a square plus b square minus 2 ab का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे केसेस में जब इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका रूट उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा रूट टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।